बेल तो पहले से सबमिट की थी, तमाम लोगों के तकरीबन 55 एक लोग हैं, 5 जमानत एप्लीकेशन दाखिल की थी, लेकिन सिटी पुलिस स्टेशन के जो 307 और 355 के जरायम है उसमें पुलिस ने जवाब नहीं दाखिल की और अदालत से जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मांगा कि 6 दिसंबर की तैयारी में वो लोग बिजी है, बंदोबस्त है, वक्त नहीं मिल पाया। उन्होंने अर्जी दी है कि भाई ये समाप्त मुलतवी करो और अगली तारीख दो, तो अदालत ने 8 तारीख दी है। सिर्फ आयशा नगर पुलिस स्टेशन ने जो 153 के केसेस हुए हैं, 3 जिला पुलिस स्टेशन ने और शहर पुलिस स्टेशन ने जियाउर रहमान, जावेद अहमद जिनके ऊपर 153 की केस दाखिल की और अशरफ शाह, जुम्मन शाह, शेख यूनुस, शेख अहमद इनके ऊपर भी 153 है, तो दोनों में जवाब दाखिल करी और उसमें ये जवाब दाखिल करके भी फायदा इसलिए नहीं, क्योंकि जियाउर रहमान, जावेद अहमद के ऊपर 307 भी हुआ है। 153 में अगर अदालत छोड़ भी देते तो जब तक वो 307 में नहीं छूटेंगे बाहर नहीं निकल सकते, तो अदालत ने ये भी 8 तारीख को रखा है। तमाम बेल अप्लीकेशन जितनी भी है समाप्त मुलते भी होगी और 8 तारीख को अदालत ने जवाब के लिए रखा है, यानी सिटी पुलिस स्टेशन में जो 3 CR है उसमें जवाब के लिए और बाकी ये 2 जो है इसमें समाप्त के लिए है। तो आज अदालत में कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, सिर्फ अगली तारीख मिली, 8 दिसंबर 6 दिसंबर तक है। फिर कोर्ट में एक आध दिन थके हुए रहते वो आना जाना, इसलिए अदालत ने 8 तारीख किया और हमने कबूल किया उसको, और हम पहले से जहन बना चुके थे कि 6 दिसंबर को ऑब्जेक्शन ले आएंगे, अगर वो जवाब भी दाखिल करते तो भी हम लोग 6 दिसंबर के बाद ही चलाने वाले, तो बहरहाल उन्होंने टाइम मांग लिए तो हमने उसे नो ऑब्जेक्शन दिया है।